नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर। इस समय जो किताब मैं आपके सामने स्वाध्याय के लिए लेके आई हूँ, कर्म और पुनर्जन्म, जो तर्कम सदरयन जी के द्वारा लिखी गई एक सुंदर अनमोल पुस्तक है। इस बुक का शुरू, ये बुक जो है तर्कम सदरयन जी एक आर्मेनियन अमेरिकन थे, उनकी ये बुक है। उन्होंने काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स लिखी हैं। ये बुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ज्ञानवर्धक और हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों होना था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर मेरी लाइफ ऐसी क्यों जा रही है, जैसे मेरा मन है वैसा क्यों नहीं जा रहा, या लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, या मैं क्या गलत कर रही हूँ, ये सारे ही क्वेश्चंस जो भी हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी ना कभी खुद को पूछते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो पूछना और इसको समझना इसी बुक से आ जाएगा। जब ये पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के थे लाइफ से, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए थे, और मैंने वहाँ पे वो स्वाध्याय शुरू किया था। वो एक हमारा छोटा सा ग्रुप होता था, रोज़ एक पोर्शन, एक हिस्सा पढ़ के उसको एक्सप्लेन करते रहना था। और आपको बताने में भी मुझे बहुत रोमांचित महसूस करती हूँ, क्योंकि ये किताब ने बहुत कुछ एक नॉलेज में एनहांसमेंट, एक विजडम, एक अलग लेवल पे ही पहुंचा दिया है। मैं तर्कम सदरयन जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। और पहले तो मुझे ये भी एक थॉट था कि कर्म वर्ड तो हमारे संस्कृति से आया है, तो एक फॉरेनर क्या बताएंगे, ये भी पहले मेरी थॉट थी। बट उनका नॉलेज को बहुत सारा नमस्कार, उनके विजडम को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। इन्होंने एक सुंदर सरल भाषा में हमारे सामने ये बुक को रखा है, एंड ब्यूटीफुल बुक है दोस्तों, मैंने पढ़ा है। आपको अगर मौका मिलता है तो पढ़िए, और मैं फील करती हूँ कि एक डिवाइन प्लान के तहत ही मेरे पास ये बुक आया है, जिसको मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो तर्कम सदरयन जी आर्मेनियन अमेरिकन थे, उन्होंने काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बुक्स लिखे हैं, ऑलमोस्ट 170 बुक्स के अबव उनके बुक्स लिखे हैं। और ये जो बुक है, ये बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं जिसको वो एक्सप्लेन कर देती है, कि क्वेश्चंस का आंसर जैसे हमें नहीं होता है उस तरह से हमें एक्सप्लेन कर लेती है। और ये जो उनका जन्म 1917 में हुआ था, और 1997 में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और ये जो बुक वो लिखे, ये लिखे, और इसके अलावा इन्होंने वो म्यूज़िकल गुरु भी थे, वो 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा पा रहे थे। और 1961 में उनकी लाइफ में एक चेंज आया, उन्होंने वो चर्च से वापस आ रहे थे अपने घर पे, तो उन्होंने देखा, वह अमेरिका में रहते थे तभी, तो अमेरिकन कुछ टीनेजर्स बच्चे, सुंदर सुंदर उनके नेबरहुड के सुंदर सुंदर बच्चे सब ड्रग्स ले रहे थे, कोई शराब पी रहा था, कोई ऐसे कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो उनको वो तब उनको बहुत हर्ट हो गए, तर्कम सदरयन जी बहुत हर्ट हो के उनको ऐसा लगा कि इन बच्चे कैसे अपने आप को इससे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन खुद को कैसे ड्रग कर सकता है। तो उनके साथ वो क्वेश्चंस के साथ उन्होंने वो फिर आए घर पे मेडिटेट किया, और फिर उन्होंने एक ठान ली कि ये नॉलेज सभी के साथ शेयर करेंगे, सभी को इस तरह से हम उनको सिखाते जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का भी उन्होंने स्थापना की, और वो बच्चों को ये ज्ञान सब देने लगे। मतलब उन्होंने क्या दिया, ये जो अगाध ज्ञान है, जो हमारे क्या है अगाध ज्ञान दोस्तों, वही कि मैं सोल कॉन्शियसनेस लग, उसी की ही उन्होंने, उस बात पे उन्होंने जोर देते हुए सारे बुक्स और सारे उनके
फाउंडेशन भी उनकी जो तक्रम सरदेनन के जी के फाउंडेशन है वो उसी के और ही काम करती रहती हैं आपके। अभी तो हमने लेखक के बारे में जाना है, बट कर्म, कर्म क्या है? कर्म का वर्ड का अगर हम मीनिंग पकड़ें तो क्या है दोस्तों? एक्शन, अगर हम इंग्लिश में कहें तो वो एक्शन, ये एक संस्कृत वर्ड है, कोई कार्य, कर्म वो हमारा है। तो इसका हमारे ज़िंदगी में क्या प्रभाव है? पहले आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमारा जो जन्म है इसमें हमारे गोल्स क्या हैं, पर्पस या पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है। तो हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ है दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। आप सब जानते ही होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं। तो धर्म, धर्म क्या है? रिलीजन नहीं है यहाँ पे, राइटियसनेस, ओके। एंड अर्थ मतलब हमें बॉडी को सस्टेन करने के लिए, बॉडी में बॉडी के डिज़ायर्स पूरा करने के लिए, जो भी हमें मेंटली डिज़ायर्स पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, अर्थ, तो हमें पैसा भी लाइफ में चाहिए। राइटियसनेस भी चाहिए, नेस भी चाहिए। देन आ गया काम, काम इज डिज़ायर, एनी काइंड ऑफ डिज़ायर, कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ घर बनाने की इच्छा, कार, बंगलो, कुछ भी एक, कुछ जो भी आपकी इच्छा है, ये कामा की कैटेगरी में आता है। तो कामा, एंड देन फाइनल इज मोक्ष। मोक्ष क्या है दोस्तों? ये जीवन मृत्यु के चक्र से खुद को फ्री करना, या जो हमारी जो जीवन मृत्यु का चक्र, जो हम बर्थ एंड डेथ का साइकिल चलता रहता है, सालों 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 युगों युगों से हम इस धरती पर आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे आगमन और गमन की जो जर्नी चलती रह रही है, उसमें से लिबरेशन इज मोक्ष। तो हम हर इंसान के ये चार गोल्स कहा गया है। तो इसमें भगवद गीता ने भी कहा है ये गोल्स को अचीव करने के लिए, ये तो बाकी तीन तो आप राइटियसनेसली आप पैसा कमाएं, राइटियसनेसली आपके डिज़ायर को पूरा करें तो हो जाएगा, एंड बट मोक्ष के लिए चार मार्ग भगवद गीता ने भी हमें ये दिया है। कौन से मार्ग है दोस्तों? भक्ति मार्ग, जो जानते हैं क्या हम, जहाँ पे गॉड इज मोर पावरफुल, मतलब सबसे पावरफुल गॉड है, वहाँ पे भक्ति के योग से हम उसको पाते हैं। मतलब हमेशा मेरे डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं, आज मुझे घर चाहिए, द्वार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे करने चाहिए, उनके बच्चे अच्छे करने चाहिए, ये चीज़ है। तो ये जो थॉट्स है, मेरे डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं, तो जब डिज़ायर्स अनलिमिटेड है तो सोर्स भी अनलिमिटेड होना चाहिए, उसके पास भी पावर, तभी तो मेरे डिज़ायर्स पूरा कर पाएगा। तो वहाँ पे वो भक्ति मार्ग है, जब वो जो लव, हमारी जो लव है वो कम्प्लीटली इंटेंडेड टुवर्ड्स गॉड या भगवान के लिए, जब भक्ति मार्ग में हम खो जाते हैं, उस मार्ग में जब हम जाते हैं आगे, तो हमें मोक्ष मिलता है। पर जब ये डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं, और डिज़ायर फिर आपका डिज़ायर भगवान ही रहता है या गॉड ही रहता है या उन्हीं के साथ ही रहता है, तब वो डिज़ायर आपका पूरा होता है। मतलब आपके भले ही वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हो या स्पिरिचुअल डिज़ायर हो, तो वहाँ पे वो फाइनली स्पिरिचुअल डिज़ायर में जब आप मतलब एडवांस स्टेज में जाते हैं, तब आपको भक्ति मार्ग से मोक्ष मिलता है। फिर आते हैं दोस्तों ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग क्या है? हम सब मेडिटेटर्स हैं, हम जानते हैं, तो हमारे सांसों के साथ रहना है, एकांत की स्थिति होनी है, समाधि की स्थिति होनी है, जहाँ पे वी रियलाइज वी आर द सोल, नॉट बॉडी, नॉट माइंड, तब मैं वो उसमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है ध्यान से। फिर ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? नॉलेज, हमारी जो इग्नोरेंस, सारे ही हमारे जो हमसे जो चीज़ हो रही है, या हमें हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हम सोल नहीं, मतलब हम बिलीव करते हैं हम बॉडी हैं, माइंड है, यही बिलीव करते हैं पूरा लाइफ। जब हम बिलीव कर लें कि मैं तो वो सोल हूँ जो अविनाशी ब्यूटिफुल सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, जब मैं वो हूँ, जब हम रियलाइज़ करते हैं ज्ञान के थ्रू, वो सारे लॉजिक्स के थ्रू, सारे फिलोसफीज के थ्रू, देन वो ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में हमें आत्मज्ञान, जो खुद के बारे में मैं कौन हूँ और या फिर मैं क्या हूँ, जो भी कहें हु एम आई और व्हाट एम आई, व्हाटएवर यू वांट टू से, वही उसी के ज्ञान को ही हमें मोक्ष की स्थिति से बहाने, मतलब मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है हमें, और ये जीवन मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। फिर चौथा मार्ग रहा, जिसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग क्या है दोस्तों? जब हम कोई एक्शन करते हैं, एक्शन क्या होता है?
भले ही वो हमारी थॉट हो, स्पीच हो या फिर काम हो। थॉट, याद रखिए दोस्तों, थॉट, स्पीच एंड एक्शन, जो भी हो, भले ही हमारी वाक्य हो, मतलब वाणी हो, या फिर हमारी सोच हो, या फिर हमारे कार्य है, ये तीनों से जो भी हम कर्म करते हैं उसी से हमें वो हमें कर्म का ये जो सिद्धांत, कंप्लीट सिद्धांत हमें मिलता है, इसी के थ्रू से ही मिलता है। और जब हम निष्काम कर्म कर पाते हैं, जब हमारी कोई सेल्फलेसली हम कोई कर्म करते हैं, तभी हमें ये निर्वाण या मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति होती है। तो ये सब जो मुक्ति पाने के ये चार तरीके हमारे भगवद गीता ने भी हमें, श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसी में शेयर किया। यहाँ पर एक मज़ेदार बात नोट कीजिए दोस्तों, भले ही वो मुक्ति का मार्ग हो, ध्यान का हो या ज्ञान का हो, ये तीन मार्ग है, पहले हमने डिस्कस किया, ये तीनों ही मार्ग भले ही लाइक मुमुक्षु या मृत्यु मुझे मुक्ति की प्राप्ति करवाती है, बट ये ज्ञान, ये जो तीनों मार्ग सिर्फ मुझसे रिलेटेड है। मतलब ध्यान मैं कर रही हूँ तो मुझे उसका है, मैं भगवान के साथ सेम जा रही हूँ, मैं भक्ति मार्ग में जा रही हूँ तो मेरा नॉलेज है, और या फिर मेरे से ही रिलेटेड है, किसी और से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड इवन ज्ञान मार्ग, मैं पढ़ रही हूँ, मैं जान रही हूँ, मैं उन फिलोसफीज को बिलीव कर रही हूँ, ट्रस्ट कर रही हूँ, तो अगेन वो मेरी नॉलेज है, पर मतलब रिलेशनशिप कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट कर्म मार्ग एक ही ऐसा मार्ग है दोस्तों, वहाँ पे आप नहीं, आपके इर्द गिर्द जो भी रिलेशन है, आपके बर्थ पेरेंट्स हैं, आपके शादी के बाद के हैं, आपके आसपास जो भी लोग, भले ही आपके ऑफिस हैं, आपके बॉस हो, आपके सबॉर्डिनेट्स हो, आपके घर में काम करने वाली मेड हो, या आपके बच्चे हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके जो भी आसपास जितने भी रिलेशन हैं, उन्हीं के साथ का आना, आदान प्रदान, आपका जो भी थॉट्स का वो चल रहा है, आपके दोस्त भी क्यों ना हो, वही है कर्म का मार्ग, जहाँ पे आपका, आपके अलावा आजू बाजू जो भी जितने लोग रहते हैं आपके आसपास, उन्हीं का रिलेशनशिप ये कर्म मार्ग के अंदर आता है। तो दोस्तों, ये संसार में रहने के लिए हमें इसकी जानकारी प्रॉपर होनी बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसी वजह से कर्म मार्ग को हमने, ये जो बेसिक नॉलेज है, ये हमारे साथ होना ही चाहिए। हम जब तक हम कर्म मार्ग से हमें मुक्ति पाने के लिए, वी हैव नीड टू स्पिरिचुअलाइज ऑल आर कर्म, मतलब हमारे जो सारे ही कर्म वो स्पिरिचुअलाइज हो, लो राइटियस हो, आपके जो कर्म में आपको ज्ञान, आपको सोल लेवल में रह के ही सारे कर्म अगर करते रहें तो आपको ये मुक्ति मिल जाएगी। शंकराचार्य ने इसके लिए भी कहा है कि अज्ञान है इसीलिए हमें ज्ञान चाहिए, और क्योंकि अज्ञान है तो हमारा माइंड स्कैटर्ड है, चारों तरफ से बिखरा पड़ा है, थॉट्स एक जगह पे नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। जब माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो आपको ध्यान करना है, राइट। और जब क्योंकि माइंड स्कैटर्ड है, किस बारे में स्कैटर्ड, मुझे उसने ये कहा, ये किया मेरे साथ, मुझे ऐसा करना था, वैसा नहीं करना था, वो तो चलता रहता है, इनर थॉट, इनर माइंड, तो इम्प्योर माइंड होता है। इम्प्योर माइंड से निकलने के लिए क्या करना है, सेल्फलेस कर्म। जब हमारे कर्म सेल्फलेस होते हैं तो हमें ये इस रास्ते से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे तकम सदानंद जी के साथ पास वापस आते हैं, ये तो हमने जाना, गीता वगैरह सबसे हमारा वेदांत क्या कहता है हमने वो जाना है। सभी जो मास्टर्स रहे हैं, भले वो शो हो एंड काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी सारे मास्टर्स रहे हैं, जिन्होंने वो जानते हैं, वो उन्होंने इस बारे में भी जानकारी दी है, अपने अपने तरीके से उन्होंने ये मेंशन किया है। और इस बुक में जो कमन पुनर्जन्म जो बुक लिखा है तरकम सदरयान जी ने, वो यहाँ पे भगवद गीता का भी मेंशन करते हैं, हिमालयन मास्टर्स का प्रेजेंट मेंशन करते हैं, फिर आपका बुद्ध, जीसस, श्री कृष्ण और सीक्रेट डॉक्ट्राइन और अग्नि योग, सब इन सब का मेंशन है, और इसी में से ही वो नॉलेज लेके हमारे साथ शेयर किया है। और इस बुक को मैं कुछ लगभग चार हिस्सों में मैं बांटूंगी इस बुक को। पहला जो कर्म का वो कॉज एंड इफेक्ट,
वाला पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, और कर्म कैसा है, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, किस तरह के हमारे एक्शन हैं या क्या होने चाहिए, उस बारे में बता रहा है। और सेकंड पार्ट कर्म एंड कॉन्शियसनेस, कैसे कॉन्शियसनेस में हम इसको कर सकते हैं। फिर तीसरे पार्ट में वो री इंकारनेशन, हमारा जो जन्म होता है, पुनर्जन्म किस वजह से हम लेते हैं, सिंपली हम कर्म को पूरा करने के लिए ही मल्टीपल पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। और फोर्थ पार्ट जो हायर नॉलेजेस हैं, जैसे कि ये जो कर्म से आगे और भी कुछ करना है, या धरती से आगे और कुछ करना है, किस तरह के लोग इस वर्ल्ड में आते हैं, उस हिसाब से वो उसमें वो फोर्थ पार्ट में हिस्से में बात करेंगे उन्होंने। बट पहला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें क्लैरिटी देती है कि हम कई बार सोचते हैं ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बट कर्म बहुत जगह पे कैसे हिसाब करता है, उस बारे में काफ़ी क्लैरिटी हमारे पास आई है। लेखक ये किताब में कर्म को बोलते हैं, कर्म क्या है, कर्म दो तरह के होते हैं। एक मतलब आपका जो कर्म है वो नेचर या यूनिवर्स या नेचर जो भी प्रकृति के फेवर में है, तो उसमें से आपको रिस्पॉन्स आता है, मतलब आपको प्रकृति के साथ हारमोनी में कोई काम कर रहे हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, कुछ किसी के लिए अच्छे के लिए कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो वो हार्मोनियस एक्शन हुआ। और दूसरा आप प्रकृति के अगेंस्ट, ऐसा होना चाहिए इसको आप रोक रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना आप कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसा बोल रही हूँ, तो उस तरह से वो रिएक्शन आता है प्रकृति के उस चीज़ के लिए। तो कर्म यहाँ पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वो गुड कर्मा में जाएगा जो रिस्पॉन्स है, और बैड कर्मा में जाएगा जो रिएक्शंस हैं। और जो कर्मा हमारे ऊपर आता है कि किस तरह से आता है, हमारे हम बहुत आसानी से बोल देते हैं ये तो मेरा कर्मा था यार, ऐसा हो गया मेरे साथ, ये तो मेरा कर्मा था, मेरा पिछले कोई कर्म रहे होंगे। और कई बार किसी का बहुत अच्छा होता है तो भी उन्हें कैसे कर्म रहे होंगे, इतना अच्छा उसको मिल रहा है, और खुद के लिए हम बात करते हैं कैसा गंदे कर्म मेरे रहे होंगे, इसी तरह का मैंने महसूस कर रही हूँ अभी। तो ये जो कर्म का हम बात करते हैं ये किस हिसाब से आती है उसको जानते हैं। लेखक ने लिखा है चार तरीके से आता है दोस्तों, शारीरिक मतलब फिजिकल हमारे पास आता है, दूसरा इमोशनल, फिर तीसरा मेंटल, फोर्थ स्पिरिचुअल, मतलब फिजिकली हम इफेक्ट होते हैं। सपोज़ मैंने कोई एक बुरे कर्म का फल है जो फिजिकली हम जो देख रहे हैं, किसी कोई मैं किसी को बोला, मैंने कभी कुछ परेशान किया होगा, आज मेरी लाइफ में वो आदमी है और मुझे वो परेशान कर रहा है, तो वो फिजिकली हुआ, बट वो जो परेशान कर रहा है उसके वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब भी हो रही हूँ, और मेरे इमोशंस आ रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं उसी के ट्रैप में फंस रही हूँ, तो वो इमोशनल हो गया। फिर मेंटली मेंटल स्ट्रेस रह रहा है मेरा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, उसको देख के कुछ तो मुझे लग रहा है ऐसा बुरा फीलिंग्स, वही सब चल रहा है, तो मेंटल लेवल पे हुआ। और इन सात चीज़ों में बिजी रह के मैं अपना स्पिरिचुअल आग जो है मेरे पास, मेरा सही पर्पस लाइफ में आने का रीज़न क्या है दोस्तों, मोक्ष राइट, निर्वाण, तो वो मोक्ष का पर्पस भी भूल गए, क्योंकि मैं ये लोअर वाइब्रेशन में ही मतलब एक ट्रैप में जैसे घुस गई हूँ। तो ये चारों तरफ से, चारों तरीके से हमारे हर कर्म का इफेक्ट ये चारों तरीके से आता है। ये तो बैड कर्म की बात हुई, अगर इफ इट इज अ गुड कर्म ऑल्सो देन ऑल्सो इट अफेक्ट्स फोर वेज, मतलब एग्जैक्टली वही होता है। फिजिकली आपको उतने अच्छे रिलेशनशिप मिलते हैं, आपको मेंटली आप उतने इवॉल्व सोल होते हैं, तो आपके पास उतना मेंटली मेंटल और इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ रहता है आपके पास, और आप स्पिरिचुअली बहुत आगे भी जाते हैं, क्योंकि वो सब आपके पास्ट कर्मा का ही वो असर है। और ये लेखक एक सेंटेंस लिखते हैं, क्राइम, क्राइम जब करता है कोई इंसान, मतलब हम मान लीजिए क्राइम कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम दूसरे के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, खुद के लिए ही हम ये चीज़ रेडी कर रहे हैं, एक पनिशमेंट खुद के लिए ही रेडी कर रहे हैं। नो इट इज, आज शायद वो दिखाई दे कि मैंने उसको वो ऐसा ना ले पाए, या उससे मैंने कुछ छीन ली, या उस चीज़ से कुछ उसको कहीं से उसका हिस्से का खा गया, आज मुझे शायद वो दिखा कि मैं उसके हिस्से का एंजॉयमेंट ले रही हूँ शायद, तो आपको लगे कि ये तो एंजॉय कर रही है, हमको इतना ही दिखता है लिमिटेड स्कोप में, लिमिटेड नॉलेज में, बट ये सही नहीं है। अगर मैंने उसके हिस्से का वो जो राइटियसली जिसका वो हक था उसको नहीं दिया,
और मैंने खुद के लिए यूज किया है, दैट मीन्स इट इज अ व्हाट डू कॉल इट, इट इज अ पनिशमेंट विच आई एम मेकिंग माई सेल्फ रेडी फॉर माई नेक्स्ट बर्थ। हो सकता है ये 5 दिन में आए, 5 साल में आए, 5 मिनट में आए, 500 साल बाद आए, पर वो फर्क नहीं पड़ रहा है, कब आएगा वो पता नहीं है। बट ये कर्म हुआ जिसके बारे में मैंने उसको परेशान किया या उसके हक की चीज़ उसको नहीं दी, उसके हक का मैंने चीट करके लिया, दैट मीन्स आई एम द ओनली क्रिएटर ऑफ माई पनिशमेंट। वो जो हम लाइफ में अभी कंप्लेन करते रहते हैं, दोस्तों मेरी तो भाग्य ही खराब है, मेरे तो भाग्य नसीब फूटे हैं, वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो हमारा ही किया कराया पिछला कर्म है जो सामने आ रहा है, वही चीज़ें ही हैं जो हमारे सामने, वो कभी तो हमने उस चीज़ का चीज़ वो जो क्राइम की है जिसकी पनिशमेंट आज आ रही है, जो पसंद नहीं आ रहा है हमारा ही किया हुआ है दोस्तों। तो ये जो बुक पढ़ने का, ये तो बुक तो हम पहुँचे भी नहीं हैं अभी तक, ये बुक पढ़ने का या बुक को जानने का रीज़न यही है दोस्तों कि इसको बदला जा सकता है। मतलब हमारा जो पिछला कर्म है जो आज मेरे सामने आया है, पर मुझे अगर तो मेरा फ्यूचर अच्छा चाहिए तो मुझे आज सही बीज बोने होंगे, मतलब वॉट एवर यू सो यू आर गोइंग टू रीप। तो आज जो बीज, मतलब अगर हिंदी में भी हम ये सेइंग है ना, जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो अगर आम चाहिए बबूल नहीं चाहिए, बबूल का पेड़ बोया है तभी तो बबूल की फीलिंग आ रही है, बट अगर आम चाहिए तो मुझे आज आम का पेड़ पर लगाना होगा, सो मैं वो आम आगे चल के मेरी ही ज़िंदगी में, हो सकता है अभी 5 मिनट बाद, 5 साल बाद, या 5 जन्मों के बाद, या 500 साल के बाद, वो नहीं पता, पर वो वही पेड़ का कोई आपका एक भी अच्छा एक्शन अननोटिस नहीं जाता है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दिस लॉ ऑफ कर्मा। तो ये जानने का ये बेसिक रीज़न ही यही है, पहले हम लॉ को समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को, कैसे हमारा लाइफ इसमें हमें इफेक्ट कर रहा है, उसको सही तरह से समझ के आगे हम इसको किस तरह से चेंज कर सकें। एंड माय डियर दोस्त फ्रेंड्स, चेंज इज पॉसिबल, यू कैन रिवर्स योर कर्मा। देखते द बेसिक रीज़न, ये जो स्वाध्याय करने का रीज़न ही यही है कि पहले इसको समझें पूरे अंदर से, पूरी डिटेल के साथ समझें, और इसको क्या कैसे खुद में चेंजेस हम लाएं ऐसा कि हम वो सिचुएशन को रिवर्स कर पाएंगे। स्टेज फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, ये है कर्म और कर्म का कारण और प्रभाव, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मतलब जब पेड़ बबूल का बोया था, आज बबूल आ रहे हैं, तो ये प्रभाव है, मेरे पास ऐसी ज़िंदगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी सेहत नहीं है, मेरे पास मेरी मर्ज़ी के रिलेशनशिप नहीं है, अच्छी फुलफिलिंग लव नहीं है मेरे पास, जो भी है आज जो भी है उसका कोई कारण है, वो आज मेरा जो चल रहा है उस कारण का प्रभाव या वो कॉज का इफेक्ट चल रहा है, और आज अफेक्टेड हूँ, मान लीजिए मेरे आपसे बात नहीं बन रही है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं आपकी वजह से स्ट्रेस में आ रही हूँ, टेंशन में आ रही हूँ, दिन भर आपको बद्दुआएं दे रही हूँ, आपके साथ झगड़ा कर रही हूँ, आपने एक किया तो मैं दूसरा कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं, मतलब वो पिछला मेरा कर्म है जो आप मुझे दे के मुझे लर्निंग आना चाहिए कि मैं सीखना चाहिए कि ऐसे कर्म नहीं करने हैं, बजाय उसके मैं क्या कर रही हूँ, वो इफेक्ट में के ट्रैप में ही घुसी पड़ रही हूँ, घुस जा रही हूँ उसी के अंदर, मतलब आप जो करें टिट फॉर टैट में चल रहा है मेरा लाइफ, तो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे नए 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 कर्म बना रही हूँ। जब हम नया कर्म बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगेन वो आगे चल के उसका भी इफेक्ट, मतलब वो कारण था वहाँ पे, आज प्रभाव चल रहा है, प्रभाव में भी मैं लर्निंग नहीं ले रही हूँ, प्रभाव को वापस से प्रभाव वापस कारण बन जाएगा और नया प्रभाव मेरे फ्यूचर में आएगा। समझ गए दोस्तों, मतलब ये जस्ट अ चेन, एक मोती का हार सोच लीजिए, एक मोती कारण है तो दूसरा प्रभाव, वही प्रभाव फिर कारण बन जाता है, फिर नया प्रभाव, कारण प्रभाव कारण प्रभाव कारण प्रभाव, वही चलता रहता है दोस्तों। तो इसी जो ये जो चीज़ को ये लेखक ने यहाँ पे 3 रिएक्शंस बताए हैं नेचर का आता है, वो है लॉ ऑफ कर्मा। ये क्या होता है, वो
ईच एंड एवरी थॉट स्पीच और एक्शन, तीनों ही चीज थॉट स्पीच एक्शन तीनों ही चीज ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल यूनिवर्स में रिकॉर्ड होता है और लॉ ऑफ कर्म जो कर्म के सिद्धांत है वो डिसाइड करता है कब आपको वो सिचुएशन आपके पास आए, किस वजह से आएगा, लर्निंग के लिए, ना कि वो ट्रैप में फंसने के लिए। पर हम जब कॉन्शियसनेस के स्टेट में नहीं होते हैं, अवेयरनेस में नहीं होते, तब वो ट्रैप में फंस जाते हैं। हम तो बस ब्लेम करने में ही बिजी, अरे इसने ये किया, उसने ये किया, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यही मेरे परेशानी का कारण है, इस सिचुएशन के वजह से ही मैं ये नहीं कर पाई। कुछ नहीं है वो, मेरे ये एक सिचुएशन आया क्यों है दोस्तों, मेरा पिछला कोई काम। तो कर्म का ही एक ये चलता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कारण का वो कर्म कभी डिसाइड करता, कब डिसाइड करता है ये आपके लाइफ में, ये कर्म आपके लाइफ में आए जब आप इस चीज में से मैक्सिमम लर्निंग ले पाए। ऐसी स्थिति में वो सोचेंगे, आप देखेंगे तो कितनी इंट्रिकेटली वो कर्म आपके लिए डिजाइन होके आता है कि आप वो सिचुएशन से मैक्सिमम लर्निंग हो। हर बार ऐसा नहीं कि आपको कुछ लर्निंग ऐसे आके आप निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम लर्निंग जिस समय में होती है उसी समय में ये आता है। और एक लॉ है, लॉ ऑफ कंपैशन। कंपैशन क्या है, करुणा। वो अगेंस्ट अगर आपके मतलब वो एम्पलीफाई करता है वो कर्म का एक्शन को। अगर करुणा आपके पास है तो आप वो चीज़ को देखने के नज़रिए में या फिर सामने वाले को आप समझ पाते हैं और वो आपकी जो डैमेज जितनी होना होता है उतना नहीं होता है। पर अगर लॉ ऑफ कंपैशन नहीं हो कि आप वापस वही ट्रैप में फंस जाते हैं तो उसी तरह का ही परिणाम आपको पास आता है। मतलब आपका स्पिरिचुअल फायर का डैमेज होता है, फिर आपकी जो एसेंट होती है सिर्फ स्पिरिचुअली, आप हर दिन हर समय हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं, उसका वो एसेंट बंद हो जाता है। हमारा जो कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होना होता है, जो एक्सपैंड होता है कॉन्शियसनेस का, वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि हम वो नैरो माइंड या उस थॉट में फंस जाते हैं। और थर्ड वाला बोल रहे जैसे बुमेरंग, मतलब बुमेरंग हम जानते हैं, एक प्रोसेस, हम एक छोड़ें कुछ चीज़ तो वो अपने पास ही वापस आता है। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों ये कर्म के लिए परफेक्ट, ये रूल भी परफेक्ट बैठता है। यहाँ पे जो भी हमारे कर्म हैं वो एग्जैक्टली थोड़े टाइम बाद आप वापस आते हैं। वापस क्यों आते हैं दोस्तों, वापस इसी वजह से आता है कि हम वो लर्निंग ले लें और इस चीज़ से फ्री हो जाएं। मतलब ये आप समझे दोस्तों, लॉ ऑफ कर्म को लेके हम शायद सोचते हैं बहुत अच्छा कर्मा वर्ड, मतलब इट्स लाइक ओह बैड कर्मा यार, या क्या कर्मा, मतलब सब एजिटेशन आ जाता है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। पर दोस्तों इट्स अ कम्प्लीटली अ फ्रेंडली लॉ, वो हमें इस सिचुएशन से फ्री करने आया है, ना कि हमें ट्रैप करने के लिए। तो ये सिचुएशन को अवेयरनेस में, जब हम अवेयरनेस होके उस कर्म को हम देख पाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो पाएंगे दोस्तों ये एक्चुअली ए फ्रेंडली लॉ है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल देता है, मतलब सिचुएशन से फ्री करने आया है। लेखक कई चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने कई चीज़ों को मेंशन किया है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये मतलब गुड सिंपल, विवेकानंद जी ने यहाँ पे कहा है गुड गुड बैड बैड नन एस्केप्स द लॉ। तो कोई भी इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है जो इस लॉ को डिच कर सकता है। आप ये लॉ को चीट ही नहीं कर सकते। बेटर है उसको फेस कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस सिचुएशन में क्या बेहतर कर पाते हैं, खुद में चेंजेस लाइए और आगे बढ़िए, यही है। तो ये इसमें से बाहर निकलना पॉसिबल है विद द राइट थॉट, राइट एटीट्यूड एंड राइट एक्शन, समझे। ये नहीं तो हम इसी में ही गोल 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 उसी में ही फंसते जाते हैं। आपको अगर डिज़ायर्ड फल चाहिए तो कर्म आज के डेट में डिज़ायर्ड ही होने चाहिए। और जब तक ये जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसमें से आप जब तक आप निकलना चाहेंगे, मतलब निकलने के जब तक आपके कर्म क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इसमें से निकल ही नहीं सकते। मतलब
इसका क्लियरली यही है दोस्तों कि हमारा जन्म इसी वजह से होता है कि हम ये जो कर्म और ऋणानुबंधन है, एक कर्म का बंधन है आपके साथ में, क्योंकि आप मेरे रिलेटिव बन के आए हैं या मेरे आसपास जो भी मेरे रिलेशनशिप हैं उनके साथ कुछ ना कुछ मेरा लेने लेन देन है, जो लेन देन सेटल करने के लिए ही ये लाइफ में आए हैं। पर अगर हम मतलब वो तो परेशान करने आए हैं तो भी है, आपके पास बहुत प्यारे मीठे सब मीठे रिलेशनशिप हैं तो भी आपके पिछले कर्मों का परिणाम है जो आज आपके सामने आ रहा है। तो ये अगर आपके घर में एक कुत्ता भी आ रहा है, बिल्ली भी बाहर से आके दूध पी रही, मान लीजिए वो भी आपका कर्म से ही रिलेटेड है, वो उसके साथ वो बंधन है जो वो उस समय आप उसका आपका दूध पी के वो आपका ही कर्म काट रही है। और यहाँ पे बुद्ध जी से पूछा गया था कि आप कैसे आप एनलाइटेंड हुए, जो बुद्ध जी से कहा मैं बस जागृत हूँ, उन्होंने बोला क्या जागृत है, वो अपने एवरी थॉट वर्ड्स एंड एक्शन तीनों के लिए ही वो अवेयरनेस में रहना ही जो एनलाइटमेंट की स्थिति है, ये कोई अलग अलग ऐसा कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने भी भगवद्गीता में वही कही है, आप जब आपके एक्शंस, आपके थॉट और आपका वर्ड्स सब एक ही डायरेक्शन में नेचर के फेवर में जा रहा हो तभी आपका आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसको कई अलग अलग नाम पे ये इसको भी जाना जाता है, जैसे एक लेखक मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारा अलग नाम है, जैसे आप पहाड़ों में जाएंगे और मान लीजिए मैंने बहुत जोर से ओम करके चिल्लाया तो क्या होता है, इको, दैट इज हाउ इट कम्स, जैसा हमने जाना था फिजिकल इमोशनल मेंटल स्पिरिचुअल चारों तरफ से हमारे पास आ रहा है। एग्जैक्टली ओम जब चिल्लाते हैं तो कई सारे ओम वापस वापस हमारे अपने कानों में पड़ते हैं, उसकी आवाज़ ओम 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 चारों तरफ से आता है। एग्जैक्टली दोस्तों यही है, इसको लॉ ऑफ इको भी कहा गया है। एंड और ये जो चीज़ है हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमारे पास्ट डीड से रिलेटेड है, जब हमारी फ्यूचर होगा ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। तो हमें ये जो डिज़ायर्ड रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हमें उस तरह का ही हमें एक्शन आज करना होगा, मतलब हमारे पिछले कर्मों को डिसॉल्व करना होगा और नए अच्छे सेल्फलेस कर्म करने होंगे सो दैट हमें फ्यूचर में डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। क्या है दोस्तों, नेगेटिविटी हटानी है लाइफ से और रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स करें उस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्ड करना उससे हमें ये मिल जाएगा। और रही जो पहला चैप्टर में लेखक ने और एक तीन चीज़ें बोला है कि हाउ टू ओवरकम कर्म, हम हमारे जो अभी पिछले कर्म हो गए हैं, अब तो तकलीफ हो रही है लाइफ में, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, अब क्या किया जाए, तो पास्ट हो गया दोस्तों, उसके ऊपर तो एक मतलब ठीक है आज प्रेजेंट डेट में हम नया कर्म करेंगे तो फ्यूचर एंजॉय करेंगे, लेकिन आज क्या करेंगे, वो उन कर्मों को कैसा निपटाएंगे, हम ख़त्म कैसा होगा हमारे लाइफ से, मतलब उस अभी जो तकलीफ चल रही उसमें से बाहर कैसे आएंगे। तो उन्होंने बोला है एक इज रिपेंटेंस, आप सही मायनों में फॉरगिवनेस सीख करें, मतलब कोई अगर आपको परेशान कर रहा है दैट मीन्स आपने पिछले कभी भी आपके जीवन में आपने एग्जैक्टली वही किया है, तो उसमें सच्चे दिल से उससे क्षमा याचना करें, उन्हें कहें दिल से कहें कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तभी अज्ञान में मुझसे ये गलतियां होती गई, मैं नहीं जानता था ये प्रभाव क्या है आने वाला है, तो मैं सच्चे दिल से माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए और मैं आगे अपनी तरफ से आपको, मैंने आप अभी मेरे साथ जो कर रहे हैं उसको भी मैं समझ रही हूँ और मैं उसके लिए भी आपको उसमें से भी आपको माफ़ी दे रही हूँ। तो सही पश्चाताप जब आप में हो, सही फॉरगिवनेस जब आप मांगे करेक्ट वे में सच्चे दिल से, तो आपको ये काम से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा प्रयास, क्या आपने समझा कि मेरी लाइफ ऐसी है बिकॉज ऑफ माई पास्ट कर्म, वो समझ चुकी हूँ, पर अभी मेरा प्रेजेंट को क्या करेंगे, प्रेजेंट में एग्री करना है, कोई गुस्सा नहीं उस चीज़ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अभी जो भी है ठीक है, ये मेरे कर्म हैं जो मेरे सामने आए, लेकिन मेरे एक्शंस क्या होंगे दोस्तों,
मैं ब्यूटी, गुडनेस, राइटियसनेस, जॉय, फ्रीडम और सेक्रीफाइसल सर्विस, ये चीज़ है। जब किसी के ज़िंदगी में आप लाइट बिखेरें, प्यार बिखेरें, ब्यूटी बिखेरें, वही चीज़ को सुंदर बनाने की चीज़ को आपकी कोशिश, कोई अच्छाई फैलाने की कोशिश, आपकी सही राइटियसनेस या सच्चाई के साथ और खुशियां बांटने की कोशिश, प्यार बांटने की कोशिश और लोगों को फ्री करने की कोशिश, क्योंकि किसी को जकड़ते हैं तो दोस्तों हम भी तो वही जेल में फंसते हैं, तो जकड़ना भी नहीं है, सबको फ्रीडम देना, सबको फ्री कर देना और लोगों के लिए निस्वार्थ पर या कम रहे या फिर सेल्फलेस सेक्रीफाइस, खुद को सेक्रीफाइस करें तो कर्म का इफेक्ट अपने आप ही कम हो जाता है। मतलब मैं जब खुद ये चेंजेस आए, मतलब हायर, उस हायर फ्रीक्वेंसी में हम जब वाइब्रेट करते हैं तो ये अपने आप ही हमारे कर्म समाप्त होते रहते हैं। और कर्म कैसे एडजस्ट होता है, ऐसा तो मान लीजिए मैंने आपसे 500 रुपये चोरी किए हैं, तो क्या आज मेरे रेट में ये कोई पिछले 5 जन्मों पहले मैंने 500 रुपये चोरी किए थे, आज क्या ये मेरे सिर्फ 500 रुपये लेके जाएगा, क्या ऐसा होगा? नहीं, कर्म काफ़ी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। क्या है उस टाइम पे आपको वो कर्म का आपको इग्नोरेंस था क्या, मतलब आपको मालूम नहीं था कि क्या कर्म करें, मैंने जानबूझ के चोरी की थी या फिर हो गया था या फिर मेरा इंटेंशन था देने के लिए बट समहाउ इट डिड नॉट हैपन। ये चीज़ है, मैंने आपसे उधार ली थी 500 रुपये पर मेरा देने का इंटेंशन था पर किसी वजह से मैं रिपे नहीं पाई, कर नहीं पाई, इग्नोरेंस हुआ या किसी ने मुझे फोर्स किया था वो एक्शन करने के लिए, मतलब ज़बरदस्ती में वो हुआ है या फिर वो जो इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं था, क्या इफेक्ट इसका आने वाला है वो पता नहीं था, इग्नोरेंस रहेगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा रिजल्ट के बारे में। और ये क्या मैकेनिकल सबकॉन्शियस रिएक्शन था कि उसका रुक गया, अच्छा वो मांग नहीं रहा है तो मैं नहीं दूंगी, ये क्या ये थॉट है, या फिर ऐसा मैंने एक ही आदमी के साथ किया है या 50 आदमी के साथ किया है। तो कर्म उस हिसाब से एडजस्ट होता है दोस्तों। ये काफ़ी सारे वो 500 रुपये उधर दिए थे करके ऐसा नहीं है, वो आज आपके साथ वो 500 साल का टैक्स के साथ ही आपके साथ कटेगा। ऐसा कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, हमारे 1 लाख रुपये गुम हो गए, कभी और 10 लाख का नुकसान हो जाता है, कभी तकलीफ़ आ जाती है एक बड़े अमाउंट का और हमें लगता है ऐसे लाइफ में मैंने तो ऐसे कोई कर्म किए ही नहीं है कि इस तरह का कोई लॉस मेरे लाइफ में आए। तो ये सब वो कर्म का एडजस्टमेंट है, वो टैक्स के साथ ही आपका कट करता है और आपका लाइफ में वो चेंजेस लेके आता है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ अमिशन भी दिया गया है, जैसे हमने अभी तक बात किया एक्शन पे कर्म होता है, मतलब हमारा कोई भी सोच रहे, वाणी रहे या फिर हमारी एक्शन कोई रहे उसमें कर्म होता है, समझा। तो लेखक लिख रहे हैं कर्म एज एन ओमिशन है, जहाँ पे आपका कुछ ना करना करना भी कर्म है। मतलब कोई सपोज आपके घर में कॉकरोच का अटैक है, कॉकरोच 5 कॉकरोच है, आप बोल रहे हैं कि मैं इसको मारूंगा नहीं क्योंकि मारूंगी नहीं इससे कम बैक कर्म आएगा, वही कॉकरोच जाके 10,000 1 लाख कॉकरोच बन जाएंगे और क्या हो रहा है आपकी आपका तबीयत खराब हो रहा है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं घर पे, सब लोगों का घर पे, आपके घर में जितने लोग हैं वहाँ पे वो आ रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस कर्म से खुद को अलग करें। मतलब पेशेंस अच्छी बात है, पेशेंस पूरी बात बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस अच्छी बात है बट टॉलरेंस होता है जब सामने वाले, कब हम टॉलरेट करें लोगों को, टॉलरेट तभी होगा जब वो ब्यूटी, गुडनेस, राइटनेस, राइटियसनेस, फ्रीडम या फिर स्ट्राइविंग या सेक्रीफाइसल सर्विस के लिए उनका कर्म हो रहा है एंड उसके वजह से हमें तकलीफ हो रही है, देन उस जगह पे ही आपका टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आके आपके घर के सामने कचरा फेंक के जा रहा है तो आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, उस वहाँ पे इनएक्शन भी आपका कर्म है, आपकी वहाँ पे आपका धर्म बनता है कि आपका और अपने परिवार का वेलबींग का भी आप चेक करें। कोई आपको कोई कुछ अटैक आ रहा है, कुछ एक किसी तरह का आपका
सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके किसी तरह के अटैक आपके ऊपर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक्शन ना करना भी आपको आपको कर्म कर मतलब कर्म होता है आपका, वो भी एक बैड कर्म ही काउंट की जाती है। क्योंकि किसी को आपका जॉय, आपका हेल्थ, फ्रीडम, आपका खाना, आपका घर, आपकी डिग्निटी और आपकी राइट्स को नष्ट करने का हक नहीं है, तो उस जगह पे हम टॉलरेंस अगर दिखाएंगे, हम सोच रहे हैं कि हम पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं और ठीक है हो जाएगा चेंज हो जाएंगे, नो दैट इज़ अ बैड कर्म, वहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एक दोस्त हम दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि इनएक्शन भी एक कर्म बनता है। और जो और एक चैप्टर में लेखक लिख रहे हैं कर्म एज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कर्म हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है ऐसे हमें चेंजेस खुद में लाने के लिए। और यहाँ पे लेखक तीन तरह के कर्म मतलब बता रहे हैं रिएक्शन, जैसा हमारा एक सबक मिलता है, हमें लर्निंग होती है। दूसरा ये रिजल्ट ऑफ सम कॉज, तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो क्या होता है वो डीपर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं इवेंट को। तो ये जो एक लहर की तरह समंदर, मान लीजिए एक समंदर में ये एक लहर की तरह आएगा, तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह के लोग इस लहर को लहर का सामना कर रहे हैं। पहला वाला क्या कर रहा है, वो सर्फिंग कर रहा है, मतलब तीनों लोग सर्फिंग के थ्रू इसका सामना कर रहे हैं। पहला वाला क्या कर रहा है, वो सर्फिंग करके वो शोर पे पहुंच जाता है, पर सेकंड वाला क्या कर रहा है, वो उस समंदर में गिर जाता है पर किसी तरह अपना जान बचा लेता है, बट थर्ड वाला कम्प्लीटली मर जाता है। तो वो जो करना जो है वो किस तरह के स्किल्स और कैपेसिटी हम में आए हैं, वो सब हमारे पिछले कर्मों का ही नतीजा है। तो ये जो चीज़ हमारे पास अभी हमारे पास आई है, वो इसी सिचुएशन के साथ ही हमारे पास मतलब हमें जो अभी सर्फिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो स्किल चाहिए, जिस तरह का हमें माहौल चाहिए, वो सब हमारे कर्म से ही रिलेटेड है। वो हमारे पास वो नॉलेज आती है अगर हम अवेयरनेस में रहे होंगे पिछले लाइफ में, तो हमें वो स्किल अपने आप ही डेवलप हो गया होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं ना कई बच्चों में हम नोटिस करते हैं, किसी बच्चे को 50 बार भी आप समझाओ वो समझ में नहीं आता है, बट किसी बच्चे को बस एक बार बता ही दिया तो वो आगे ग्रास्प कर लेता है। मतलब उस वो सीखा हुआ बच्चा, मतलब वो सोल लेवल पे उसकी वो एक्सपीरियंस हो गई है, वो लर्निंग उसके पास आ गई है, तो वो लर्निंग ईजियर है। तो ये स्किल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हमारा जो पास्ट कर्म के ऊपर है। और आगे दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर्स हम आगे कवर करते रहेंगे इसमें से। और दोस्तों ये जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे मैं पेशन चैनल को भी थैंक यू देन करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे ये ऐसा मौका दिया आप सबके सामने ऐसा प्रेजेंट करने के लिए। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एंड आप सब लोगों के लिए भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।